रहमत खान जोड़ी पर कह दो कि शोरगुल ना होने पाए। और सुनो, फौजदार हाथी सिंह को आगाह कर दो कि इस वक्त हवेली के आसपास गाना बजाना ना हो तो बेहतर है, हम मुकम्मल खामोशी चाहते हैं। लगता करे जब मैं तो लगत कर जवाब में। वाह उस्ताद, वाह उस्ताद, क्या जान लेवा तान है। वाह जियो। ओदे नजर दे दाने दे इंसानो, ओदे नजर दे दाने दे इंसानो, ओदे नजर दे दाने दे इंसानो, दाना नजर दे दाने दादा रे दे इंसानो, दे इंसानो, दे इंसानो, तानो ओदे नजर दे दाने, ओदे नजर दे दाने, ओदे नजर दे दाने दे इंसानो। क्या कहने
मालूम होता है कि बादल गरज रहे वाह हमारे तानसेन तो आप हैं जिनकी खाती में भी आलाम आखिर हमारे चाहने वाले भी बहुत से हैं दुनिया में। गाना है तो और कहीं जाकर गाओ, यहाँ शोरगुल करना मना है। हाँ जी, यहाँ तो सांस लेना भी मना है। जबान संभाल कर बात करो, चाहे मौसिकी मियाँ तानसेन नए राग तैयार कर रहे हैं, उनके काम में खलल मत डालो। अरे हमें सब मालूम है हाथी सिंह, टोड़ी को जरा टेढ़ा किया तो मियाँ की टोड़ी बन गयी, मलार को जरा बरेड़ा तो मियाँ की मलार बन गयी, और अब कानड़ा का कान उबेट कर दरबारी कानड़ा बना रहे हैं। सोच, अगर ज्यादा गड़बड़ की तो इस महल्ले में हमेशा के लिए गाने की मुमानियत हो जाएगी। लो तुम्हारे बाबा आ गए, जाओ उन्हें रोको। तुम जाओगे मना है। ये गाना नहीं भजन है भाई। कुछ भी हो, मियाँ तानसेन ने राग तैयार कर रहे हैं, इसलिए इस मोहल्ले में गाना बजाना मना है उनके हुक्म से। संगीत तो सारे संसार की धरोहर है भाई, इस पर कहीं भी कोई पाबंदी नहीं हो सकती। देखते क्या हो, जोर तो इन्हें। हम आजाद बंदे हैं फौज साहब, हम सुनना उनको। बैजू बेटा, इस बात को कभी मत भूलना, अगर कभी जमाना साथ दे तो तानसेन से अपने बाप के खून का बदला बदला जरूर लेना। वचन दे बेटा।
लड़का तलवार लेकर भागा। छीन लो तलवार, प्योर कहीं का। जाने दो भाई। क्यों मारते हो इस लड़के को? चोर है ये लड़का, तलवार चुराकर भागा। मैं चोर नहीं हूँ, एक महाज्ञानी संगीतकार का बेटा हूँ, समझे? चोरी करने के सिवा और भी कुछ सीखा तुमने? सीखा क्यों नहीं, जय जयवंती भैरवी भैरव रामकली गुणकली पिल्लू टोड़ी मान सभी कुछ तो सीखा है मैंने। वाह 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 वाह, मगर तलवार उठाकर क्यों भागे थे बेटा? मुझे किसी से बदला लेना है अपने पिता के खून का। ये सब बुरी बातें हैं बेटा, किससे बदला लेना चाहते हो अपने पिताजी के खून का? वो इस सल्तनत में बहुत बड़ा बड़ा बहुत खतरनाक है ये लड़का, इसे गिरफ्तार करना चाहिए। नादान बच्चा है, गुस्से में दुख में टेढ़े रास्ते जा रहा था, मैं इसे सीधी राह पे ले आऊंगा। चलो बेटा। वो रहा अपना गांव जमुना के उस पार। गला तो अच्छा सदा हुआ पाया है, बोलते हुए सुरों का जवाब फौरन मिल गया। कहां से सीखा है संगीत बेटा? हम लोग गुजरात में चापानेर गांव में रहते थे, मेरे पिताजी हरि कथा करते थे और संगीत भी अच्छा जानते थे। वो मेरे संगीत की तालीम पूरी कराने के लिए मुझे वृंदावन ले जा रहे थे हरिदास स्वामी के पास। मगर हरिदास स्वामी तानसेन के गुरु? तानसेन? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता नहीं तो क्या हुआ, मैं तुम्हें संगीत सिखाऊंगा। लो वो आ गई गौरी। महाराज आप तो मुझे अपना संगीत हमेशा बीना पर सुनाया करते थे, आज ये तुरई कहाँ से उठा लाए? तुरई? ये अभी किसे पुकार रहे थे? तूने इसकी पुकार का जवाब दिया, इसने तेरी पुकार का जवाब दिया। तेरी आवाज सुनकर ये अपने पिता के शोक के आंसू भी भूल गया। आइए चलो बेटा। हम तो इनके दिल से पिता का शोक भी भुला देंगे अपने गांव में। क्या नाम है इनका? बैजना। हम तो बैजू कहेंगे, बड़े बड़े नाम वालों से गांव वालों का कुछ भला नहीं होता। बैजू से क्या भला होगा? बैजू? बैजू मेरे साथ नाव खेने में मदद करेगा और बैजना जी वो तो इतना भी नहीं सोचेंगे कि गौरी नाव खेते खेते थक गई होगी। अब गौरी की नाव पार लग जाएगी। संभल के बेटे संभल के।
बालाजी पंडित जी आगरे से लौटा है और अपने साथ तानसेन को भी ले आए। बेटा संगीत सागर की सतह पर तैरने वाले बहुत हैं, डूबने वाले कम। मोहन देख लेना, मियां तानसेन की तरह ये लड़का भी संगीत में एक दिन बहुत मशहूर हो जाएगा। नहीं, तानसेन की तरह नहीं। अजी हम तो तानसेन को भी भुला देंगे। पवन के आई बाहर, नैनों में नया रंग लाई बाहर, प्यार छलके हो प्यार छलके। डोले मन मोरा सजना, डोले मन मोरा, हो जी हो, डोले मन मोरा सजना, चुनरिया बार बार झलके। झूले में पवन के आई बाहर, प्यार छलके हो प्यार छलके। ओ मेरी तान से ऊंचा तेरा झूलना गोरी, मेरी तान से ऊंचा तेरा झूलना गोरी। मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी, मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी। तू है जीवन सिंगार, प्यार छल के झूले में पवन के आई बाहर, प्यार छल के हो प्यार छल के। ओ बादल झूमते आए, गागर प्यार की लाए, बादल झूमते आए, गागर प्यार की लाए। कोयल कूकती जाए वन में मोर भी गाए, कोयल कूकती जाए वन में मोर भी गाए। तेरे हम तुम मल्हार, प्यार चल के तेरे हम तुम मल्हार, झूले में पवन के आई बाहर, नैनों में नया रंग लाई बाहर, प्यार चल के हो प्यार चल के हो, हो प्यार चल के हो, हो प्यार चल के हो, हो प्यार चल के। गौरी यमुना के किनारे इस टीले पर हमारे बचपन ने हजारों घरों दे बनाए और तोड़े, आज जवानी यहाँ आशाओं के दीप जला रही है। इन दीपकों को कभी न बुझने देना बैजू, इनसे आपके घर में अंधेरा हो गया। सगाई इधर हुई और ब्याह उधर हो रहा है, उधर। अबे हो कैसे रहा है, खानदान की इज्जत का सवाल है, कोई मजाक थोड़ी ही है, इसका कोई इंतजाम करना पड़ेगा। कैसा इंतजाम? बोल बे गंजू, अब बोल। मैं क्या बोलूं सरकार, अब बोलने वाले तो पहले ही बोल गए। चल।
तंबूरे और डंडे में फर्क जानते हो? मैं बताऊं सरकार, एक के तार तार बजते हैं और दूसरा सर पर तार तार बजता है। नहीं सर, तंबूरे के तार दिल को जीत लेते हैं और डंडे से ना तुम बैजू को हरा सकते हो न गौरी को जीत सकते हो। जाने भी दो गौरी। इस छोरी को तो देखो, घोड़ी जितनी बड़ी हो गई, मगर लास्ट टर्न जरा नहीं आई। दिन भर इस छोरे के साथ में दगा दगा डोल ही करे। और ये बेहतर हम देखो, ना जाने कहाँ से आया इस गांव में, न जात पात का पता, ना माँ बाप का ठिकाना। कब होगा ब्याह तेरा गौरी से? बस यही अगले बैसाख में। जाने कहाँ चली गई? गौ, गौरी तू आजकल आजकल ये गाय दूध बहुत कम देती है बाबा। इसका ध्यान भी जाने आजकल कहाँ लगा रहता है, है ना? नहीं बाबा। नहीं बाबा? हाँ बाबा। गौरी तू अब बच्चा नहीं, बड़ी हो गई, समझी? इतनी जरा सी बात में इतना बड़ा फर्क कौन सा हो गया है? देख रे मोहन, अपनी बेटी को काबू में रख, दिन भर बैजू के साथ इधर उधर भटका करती है, देखा देखी गांव की और छोकरियां भी बिगड़ जाएंगी। अरे सब छोकरियां गौरी की तरह थोड़ी हैं, काट के न रखते हम। हाँ, मोहन की नाक कट जाएगी बिरादरी में अलबत्ता। ये फर्क है बेटा, सुन लिया ना? और ये बेहतर हम न जाने कहाँ से आया इस गांव में, न जात पात का पता, न माँ बाप का ठिकाना। सोच में हो बेटा, आज कितने दिनों बाद तूने बीन को हाथ लगाया, जरा हम भी तो सुने। तार टूट गए हैं बाबा। तार और लग सकते हैं। सुर्ख हो गए हैं। सुर्ख हो गए हैं तो बेटा इस संसार में तो इतना बड़ा संगीतकार कैसे बनेगा? आपकी कृपा से अवश्य बनूंगा, इसी संसार में तो मेरे सुर्ख हो गए हैं। गौरी हमें भी उस पार पहुंचा दो। क्या ढूंढ रही हो? किनारा, संसार में चारों तरफ तूफान उठा हुआ है। और किनारा खो गया है? नहीं, हम आपसे किनारा करना चाहते हैं। बाबा को भेज देती हूँ, वो ही पहुँचा देंगे आपको उस पार। इतने दिनों के बाद आज आई हूँ नाव के पास। अब तक कहाँ थी? हाथों में मेहंदी जो लगाई थी, नाव खेते खेते मेहंदी का रंग उड़ जाता है ना। देखूंगा। हम सब से दूर रहना चाहते हैं। अच्छा जी, कितनी देर? जब तक आसमान के तमाम तारे आप गिन कर ना बता दें। आसमान के तारे? चलिए गिन लिए। कैसे? इस वक्त तो दिन है। आपके लिए होगा, हमारे लिए तो इधर आप रूठी।
और उधर शाम हो गई। दिन को तारे ही तो दिखा रही हैं आप। हम सब समझते हैं, ये दिल की सोच है। गौरी, मुझसे दूर न रहो वरना मैं बावरा हो जाऊंगा। लोग ठीक कहते हैं, पंडित जी की तरह आपको भी आठवें सुर का पता नहीं। लोग झूठ कहते हैं गौरी, मुझे आठवें सुर का पूरा पता है। कैसे? आठवां सुर तुम हो गौरी, तुम्हारे बगैर मेरी सरगम अधूरी, मेरे गीत अधूरे, तुम ही मेरा संगीत हो गौरी। कवैया जी, गहरी बातें ना किया कीजिए, डूब जाऊंगी। तुम तो तैरना जानती हो गौरी, डूबना तो मेरा काम है। डूबने वाला कभी कभी तैरने वाले को भी ले डूबता है। गौरी, तू गंगा की मौज में जो
रहेगा मिलन ये हमारा मौज में जमुना का धारा तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा सुन रहे हो पंडित जी कोरी और बैजू ने झंडे गाड़ दिए झंडे इस गांव में एक दिन किसी से बाप का बदला लेने जा रहा था तलवार लेकर अब सीधी राह पे आ गया संगीत और तुम्हारी गौरी ने सब कुछ भुला दिया आज मुझे मालूम हुआ बैजू में क्या है जो हम में नहीं हाँ, सरकार सब कुछ तो है नाक है आंख है कान है दाहना है पेट है कमर भी है अब कुछ कुछ अब मोटी है तो बदबा एक बात की जरूर कमी है हमें गाना नहीं आता हर गौरी गाने पे मरती है सबके जाऊं सरकार आप तो मुंह में निवाला रख देते हैं क्या निवाला रख देते हैं जहां निवाला छीना जा रहा है हमें गौरी को पाने के लिए गाना सीखना ही पड़ेगा तू गंगा की मौज में जमुना का धारा दुश्मन गाना तो आपको सीखना ही पड़ेगा चलिए मैंने कहा अब याद आया आगरे में देखे थे ऐसे उस्ताद जो आपको गाना सिखा सकते हैं लेकिन लेकिन वो बात ही जाने दीजिए क्या बात ही जाने दीजिए नहीं वो वो, वो सिखाने वाले अरे कुछ कहेगा अभी क्या बात नहीं वो नहीं सिखाएंगे क्या नहीं सिखाएंगे ना हमें समझ गया नहीं सिखाएंगे क्या तू किसकी बात कर रहा है मैं बताऊं हाँ बताओ हाँ तानसेन की बात कर रहा है अजीत तानसेन की क्या हस्ती है मैं तो उस्ताद तान तोड़ और तान जोड़ की बात कर रहा हूँ हाय सदके जाऊं गज तो सारंगी पर इस तरह चलता है जैसे बूढ़े मियाँ की जवान बीबी की जबान चिक अबे बकलोलो के बच्चे आखिर तू नाम भी बताएगा बंदर लेकिन उनका एक नाम थोड़ा ही है जो बताऊं माँ प्यार से कहती थी लल्लू और बाप गुस्से से कहता था गसीचू और बादशाह सलामत ने तो कितने ही नाम रख दिए हैं उस्तादों के उस्ताद तान तोड़ और तान जोड़ सारंगी पना मियाँ हजूर खां उर्फ उस्ताद गसीच खां गंजू अगर ऐसी बात है तो हम अपनी सारी दौलत उस्ताद गसीच खां के कदमों पे निछावर कर देंगे सुन तू जा और उस्ताद घसीट खा को यहाँ घसीट ला जा प्रीतम बसे पहाड़ पे मैं जमुना की तीर अब के मिलनो कठिन है पांव पड़ी संजीव गौरी अरे बावड़ी पे नहीं चलेगी अरे आज तो चल बसंत पंचमी का त्योहार है ना आजकल बाहर नहीं निकलती बिचारी हो जी हो तो जाती क्यों नहीं तू जाना तुझे बुला रहा होगा अरे जो मैं जाऊंगी तो तू मार डालेगी मुझे बेचारी खुद ही मरी जा रही है किसी और को क्या मारेगी बेचारी देख बसंती कह देती हूँ हाँ क्या कह देती हूँ तेरा सर ठहर तो अरे मटका तो खाली है झूठ मूठ जाने क्या बिलो रही है अपना दिल देखो
खेड़ो। चलो हम छेड़ रहे हैं या वो पुकारा है कब से। चलो अरे जाना, तुझे मेरी कसम खत्म हुई। अच्छा जी, ये नहीं जाती तो उसे ही यहाँ बुला ले। चलो। अरे ना हो जी हो, यहाँ नहीं, जमुना के किनारे टीले पर कुछ खो गया है और ढूंढने यहाँ आए। वही तब तो तुम जानती होगी क्या खो गया है। किसी बसंती ने छिपा रखा है, कुछ इनाम देंगे तो बताएंगे हम। वही चल मरी सारी चमड़ी नोच डाली मेरी गौरी। गौरी गौरी काम है आपको।
मैं ये पूछने आया था कि बाबा घर में नहीं। ये 25 कौन? वाह वाह। 1 2 3 4 5 6 7 बहुत बन रहा सुबह। जय राम जी की। आदाब बजा लाता हूँ। उस्ताद कहाँ है? सुनते नहीं, नया राग बना रहे हैं। नया राग? ये कौन सा राग? खांसिया राग है, लेकिन दरवाजा बंद करके। अरे भाई, इस मेले में गाना मना है। यहाँ वही गा सकता है जो मियाँ तानसेन से अच्छा गाता हो। और अगर उनसे कोई अच्छा गाए तो तुम गंगा की मौज में तो मियाँ तानसेन के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन अगर हार गया तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। अगर जीत गया तो तानसेन भी अपनी जान दे देंगे। अजीब कानून है। एक और बदतमीज बकबक कर रहा है। हुजूर उस्ताद। उस्ताद के बच्चे, जानता है सुर्खी मार क्या होती है? जूते से भी बुरी उस्ताद, क्या मैं नहीं जानता? बाजी, मेरे सुर छूट गए, तेरी बकवास से मेरी हालात सरक गई। क्या था मेरे बस? उस्ताद, मेरे मालिक गांव के रईस हैं और वो आपसे गाना सीखना चाहते हैं। अबे तेरा मालिक जाए फाड़। हम कोई बाजारी का भैया है? गाना सीखना है तो आगे बढ़ जाओ, आगे। वो रही तानसेन की हवेली। अजी, तानसेन से अपना क्या वास्ता? हम तो उस्ताद तान तोड़ और तान जोड़ के पुजारी हैं। लड़का समझदार मालूम होता है, साहिबे ज़ौक। गजीट की तान को कौन नहीं जानता? मुंह मांगा इनाम मिलेगा हुजूर। अच्छा, हम चलेंगे। दो घोड़ों का बंदोबस्त कर। हुजूर, क्या घर वाले भी साथ तशरीफ ले चलेंगे? अरे बदतमीज, एक घोड़े पर हम सवार होंगे, दूसरे घोड़े पर हमारी सारंगी जाएगी। इसी शान से हम हर जगह जाया करते हैं। अगर ये शर्त मंजूर ना हो तो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। वो रही तानसेन की हवेली। हम कोई दरबारी सरकारी गवैये नहीं है, हम जानकारी गवैये हैं। झपताले हैं तो झपताले ही रहेंगे। अबे हम बेताले हैं तो बेताले ही रहेंगे। क्यों नरपत, ये ब्याह की तैयारियां हो रही हैं। बस अब क्या है, उस्ताद खसीट खा की राह देख रहा हूँ। इधर उस्ताद आए और उधर ब्याह हुआ। उस्ताद के साथ? अबे जा, उस्ताद के साथ नहीं, गौरी के साथ। संगीत सीखने के बाद जाने उस्ताद कब आएंगे? अगले बैसाख में। अगले बैसाख में तो मेरा ब्याह ही हो जाएगा। अरे ठीक तो है, जब तक ये घसीट खां के साथ राग ला देंगे तब तक गौरी हर रात को टीले पर जाकर बैजू को नए नए राग रागनियां सिखाती रहेगी। क्या होता है, गौरी ने तो बैजू से मिलना ही छोड़ दिया है। दिन में, रात में नहीं। रात में? कहाँ गया गौरी का बाप? ओ मोहन, मोहन, मोहन जी। क्यों? क्या है भैया? ये बात है। क्या बात है? बहुत शर्म की। कैसे? गौरी रोज रात को जाती है टीले पर बैजू से मिलने। डूब मरो। मैं तो डूब मरूंगा पीछे, पहले सर फोड़ दूंगा अपनी बेटी पर झूठी तोहमत लगाने वाले का, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अच्छी बात है, मैं पंचायत बुलाऊंगा, बस इसका फैसला अब पंचायत ही करेगी। गौरी, गौरी कहाँ मर गई?
पंडित जी हन? इस समय बैजू कहाँ है? बैजू यमुना के किनारे टीले पे होगा। बैजू शाम होते ही अपनी वीन के साथ टीले पे पहुंच जाता है और बहुत रात गए वापस लौटता है। ऐसा दिल लगा के रियाज कर रहा है संगीत का कि तानसेन से भी टक्कर लेगा एक दिन, देख लेना। लेकिन पंडित जी, और भैया सच पूछो तो मुझसे ज्यादा तुम्हारी गौरी सबब है बैजू की कामयाबी का। अगर मैं शिक्षक हूँ तो गौरी प्रेरणा है, रोज जा बैठती है उसके सामने, वो अपने सुरों में गौरी को उतारता जाता है और गौरी उसके सुरों को सातवें आसमान तक पहुंचा देती है। तो जो मैं सुन रहा हूँ वो बिल्कुल सच है? बिल्कुल सच, बेशक सच है। मैं खुद वहां जाके देख आया हूँ अनेकों बार। आप खुद? मगर पंडित जी गांव वालों का मुंह कौन बंद करेगा, पंचों को कौन जवाब देगा? गौरी का ब्याह जल्द ही कर देना पड़ेगा नरपत से। गौरी का ब्याह हो चुका है बैजू से। बैजू से? हाँ, बैजू संगीतकार है, गौरी संगीत है। बैजू गवैया है, गौरी गीत है। बैजू सुर है, गौरी वीणा है। और अगर गौरी सुर है तो बैजू अलाप है। इन दोनों का मिलाप उस कलाकार ने कर दिया है, निष्कलंक पवित्र प्रेम जिसकी कला है, इसे ही ब्याह समझ लो मोहन। इन दोनों को अब कोई अलग नहीं कर सकता। पंचायत कर सकती, नर्तक को वचन दे चुका हूं पंडित जी। वचन तोड़ने पर जुर्माना भरना पड़ेगा, मगर दीपक से दीपक की ज्योत को अलग कर दोगे तो दीपक बुझ जाएगा, रोशनी चली जाएगी, अंधेरा छा जाएगा। जुर्माना भरूंगा पंडित जी, जुर्माना भरूंगा। गौरी मेरे जीवन की रोशनी है और बैजू गौरी के जीवन का दीपक। अब इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। चली इतनी रात गए? तुम? हाँ मैं। आज पकड़ी गई। क्या खो गया है इस टीले पर? खो गई है तुम्हारी अकल। झूठ झूठ जाके बाबा से कह दिया कि गौरी रोज रात को बैजू से मिलने टीले पे जाया करती है। वो नंगी तलवार लिए मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं गांव छोड़ के भागे जा रही हूँ ना। सुनो तो, ठहरो गौरी, ठहरो। अरे ठीक, मैं भी कितना बड़ा उल्लू हूँ, गांव वालों के कहने में आ गया। चलो गौरी चलो, मैं तुम्हारे बाबा को समझा मना लूंगा। अरे ना, काट के धर देंगे, इसी तरफ आ रहे हैं शायद। गौरी गौरी, हमारा गांव आ गया उस्ताद, और इसे कहते हैं आगरा दरवाजा। चल बेटा। ठहर गया, मेरे मालिक का घर दूर नहीं है सरकार। आग लगा दे उस घर को। क्यों? बदतमीज, नालायक, नामकूल, डरा। ये आप किसकी तारीफ कर रहे हैं सरकार? चंपा, तेरे मालिक को लाजिम था कि वो हमारी पेशवानी के लिए गांव के बाहर खड़ा रहता और झुक झुक कर सलाम करता। हम किसी के घर जाकर सलाम करने वाले गवैये नहीं है।
दरबारी सरकारी, हम जानकारी का वही है, समझा? सरकार, मेरे मालिक ने सोचा होगा कि उस्ताद रात के वक्त थोड़े ही आएंगे। अबे ना माकूल, तू इतना भी नहीं जानता, हम इसी वक्त दुनिया में आए थे और इसी वक्त हर जगह जाते हैं। जानती इस रात को क्या कहते हैं? सरकारी कांगड़ा। आधा वर्ष काहे बनी बावरी, छोरी काहे बनी बावरी छोरी। ये कौन बदतमीज देख रहा है? कौन है बे? तौबा तौबा, अबे गधे, गाना गधे तो नहीं गाया करते? रंदे रंदे तबूरा हाथ से संगीत का खून ना कर। अबे वो खूसट, ऐसा तंबूरा घुमा के मारूंगा कि सर फोड़ दूंगा। बैल कहेगा। अबे नालायक, क्या हम बैल है? तो क्या मैं गधा हूँ? बेशक, बिल्कुल बेसरा बदतमीज गधा है। बदतमीज नामाकूल पिलपिले, चला जाए यहाँ से, वरना मैं उल्टा लटका दूंगा। बदतमीज, न मालूम कहाँ से चले आते हैं बिना बुलाए बीमारी की तरह। गौरी 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 बाबा ने हाँ कह दी बैजू, बाबा ने हाँ कह दी बैजू, बाबा ने हाँ कह दी बैजू। हाजिर करो हमारे सरदार के सामने, वरना सारा गांव लूटकर आग लगा देंगे हम। अभी पिछले साल ही तो ले गए हो 2000 अशरफियां लूटकर। हर साल आएंगे, लगान वसूल कर ले। लगान? अरे बाबा, लगान तो हम राजा मान सिंह को देते हैं, भरा दो दो जगह लगान कौन दे सकता? जो कुछ कर रहा है हमारे सरदार से कहो। जो वसूल करके ले जाए लगान उसी का होता है। 2000 अशरफियां पेश करो, वरना इस बंदूक की आवाज होते ही गोल लुटना शुरू हो जाएगा। हम पर दया करो, ये रकम कुछ कम कर दो। लूटने वाले सौदा नहीं किया करते, इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएं? Thank you.
का घर लूटने वालों, लूट लो दिल का प्यार। प्यार वो धन है जिसके आगे सब धन है बेकारो। इंसान बनो, इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। इंसान बनो, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। इंसान बनो, बाग में सूरज भी निकलता है लिए गम। फूलों की हंसी देख रो देती है शबनम। कुछ देर की खुशियां है तो कुछ देर का मातम। किस नींद में हो, किस नींद में हो, जागो जरा सोच लो अंजाम। इंसान बनो, यहाँ शान अपनी दिखाते हुए आए। दम भर के लिए नाच गए धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराए। आता है कोई, आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो, लगाए हैं यहाँ जुल्म के ढेरे। धन साथ न जाएगा बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो, इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। इंसान बनो, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। इंसान बनो। वाह 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 वाह, शाबाश बेटा शाबाश। उस्तादों को शागिर्द मिले तो ऐसा मिले। संगीत में पूरा तैयार। क्या है, तूने आगरे से बुलाकर घसीट खा जैसे उस्ताद की शागिर्दी कबूल की है। अब बात तो पूरी करने में दो। क्या कह रहा था मैं? हाँ, एक दो साल में उस्ताद फिर के भी काम करने लगेगा। मानते हैं तुम हमारे इरादों को बदलने में कामयाब हो गए? मैं अपनी कामयाबी उस वक्त समझूंगा जिस वक्त तुम और तुम्हारे साथी अपने जुल्म और सितम का खेल खेले बगैर यहाँ से लौट जाए। हमें ये भी मंजूर है, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी। क्या शर्त होगी? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा? महंगा सौदा नहीं है गायक, तुमने बहुत सस्ते में अपनी बस्ती को बर्बादी से बचा लिया। क्या सोच रहे हो, तुमने तो सब कुछ पा लिया, हम ही ने कुछ गंवाया है? बोलो, शर्त मंजूर है? मंजूर है। बैजू नहीं, बैजू नहीं, नहीं बैजू नहीं, मैं तुम्हें कभी न जाने दूंगी। बैजू नहीं, नहीं। लूट लो, हम लोग ज्यादा देर यहाँ नहीं कह सकते। ठहरो,
मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते बैजू। मुझे जाना ही होगा गौरी। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी। गौरी बैजू तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे बैजू। बाबा बाबा इसे समझाइए, मैं जल्दी लौट आऊंगा। उसे जाने दो बेटा, बैजू आज सारे गांव को बचा रहा है। बाबा घबराओ नहीं बेटी, मुझे विश्वास बैजू जरूर वापस आएगा। लेकिन मैं जो कहना चाहती थी कह ना सकी बाबा। बाबा आप भी हौसला रखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटा सुनो तो सही, बैजू बैजू। गौरी मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा।
मुझसे दो घड़ी बात कर सकोगे गायक? कौन हो तुम? मेरी आवाज को नहीं पहचान सके? मैं तुम्हारी आवाज पहचानने की जरूरत नहीं समझता। एक बार इस आवाज को पहचानने की कोशिश जरूर करो गायक। क्या चाहती हो? सिर्फ एक गीत जो दिल और जिंदगी के खामोश तारों को जोर जोर से हिला दे। मेरे पास जिंदगी के तूफानों को रोकने वाले गीत हैं, तूफान उठाने वाले गीत हैं। गायक, इसका फैसला हम पर छोड़ दो। ये हम जानते हैं तुम्हारे गीतों में कैसे कैसे तूफान छिपे हुए हैं। अगर मेरे गीतों में तूफान है तो पहले ऐसी चट्टाने पैदा कर लो जो उन तूफानों का मुकाबला कर सके। औरत के दिल से ज्यादा मजबूत चट्टान इस धरती पर कहीं दिखी है तुमने? औरत का दिल चट्टान होगा, लेकिन तुमको इसे क्या? तुम अगर औरत भी हो तो एक नकली औरत हो, एक डाकू, रहजन, विध्वंसनी। गायक, इन आंखों में क्या इस वक्त तुम यही देख रहे हो? बस्तियां और खजाने लूटने वाले दिलों को नहीं लूट सकते। अपनी चमकीली आंखें और काले इरादे लेकर यहां से चली जाओ। मेरे पास न तो तुम्हारे लिए कोई गीत है और न कोई खजाना जो पेश कर सकूं। मेरे प्रेम का ऐसा अपमान मत करो गायक। मैं डाकू नहीं, बस्तियां और खजाने लूटना मेरा पेशा नहीं। वो तुम्हारा गांव मेरे पिताजी की जागीर थी, राजा मानसिंह ने हमसे जबरदस्ती छीन ली। मेरे पिताजी को मौत के घाट उतार दिया, मैं अनाथ हो गई, मेरा खून खौलने लगा। मैंने तलवार उठाई और उसी दिन से प्रतिज्ञा की कि अपने पिताजी का बदला लेकर रहूंगी। पिताजी बैजू, अगर जमाना साथ दे तो तानसेन से अपने बाप का बदला जरूर लेना। बदला गायक, मैंने कौन सी अच्छी बात कह दी जिससे तुम्हें इतना दुख हुआ? बताओ, बता दो गायक, क्या मुझसे कोई भूल हुई? नहीं, मैं ही भूल गया था। क्या? मुझे भी किसी से बदला लेना था जो मेरी जिंदगी का सबसे पहला फर्ज है। गौरी के प्रेम ने मुझे भुला दिया था, आज तुमने मुझे याद दिला दिया। गौरी? वही गांव की लड़की जिसके प्रेम को तुम्हारी मीठी मीठी बातें नहीं भुला सकी। वो प्रेम बदले की आग में जल रहा है। बदला? हाँ, गौरी से मेरे दिल ने प्रेम की सुगंध पाई, तुमसे मेरे बदले की भावना ने तलवार की धार पाई। गौरी फूल है, तुम तलवार हो। राजकुमारी, तुम इस संसार में मुझे और कुछ नहीं दे सकती। गायक, इस बहाने कहीं तुम गौरी के पास तो नहीं जाना चाहते हो? अगर जिंदा रहा तो किसी दिन जरूर जाऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं गौरी के प्रेम को भुला देना चाहता हूँ। पिताजी के खून की आवाज मुझे पुकार रही है, मुझे जाने दो। तो फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं, अपना फर्ज मैं खुद पूरा करूंगा। बैजू, बैजू। शेर सिंह, शेर सिंह, रोक लो गायक को, वो जा रहा है। मगर ठहरो, जाने दो उसे। कलाकार किसी के बंधन में नहीं रह सकता। आ...
साहब हैं आप? मुझको और मेरी तलवार को तुम्हारे सर की जरूरत है। आप झूठ कह रहे हैं। आपकी तलवार की जरूरत अगर मेरी गर्दन के अलग होने से पूरी हो सकती तो गर्दन उड़ा दी होती। मेरे सांस को क्यों काट कर रख दिया आपने? इससे आपकी कौन सी जरूरत पूरी हुई? तुम्हारे सांस की आवाज मेरे इरादों को मुझसे छीनने लगी थी, मेरी तलवार को धोखा देने लगी थी। संगीत को समझने वाला दिल रखते हैं आप। संगीत सिर्फ तुम्हारी ही जागीर नहीं है तानसेन। संगीत मेरी जागीर नहीं है मगर मेरी जिंदगी जरूर है। नौजवान, तानसेन के सांसों के तार तलवार से नहीं कट सकते। तानसेन को अगर मारने की ही ठान ली है तो आत्मा से उठता हुआ कोई दर्द भरा संगीत लाओ। तानसेन खुद ब खुद मर जाएगा। हुजूर मियां, कौन है ये सरफिरा? इसके लिए क्या हुक्म है हुजूर? गर्दन उड़ा दीजिए इसकी। इस घर में खून को सिर्फ दिल से टपकने की इजाजत मिल सकती है, वो भी इसलिए कि संगीत का तकाजा है। तो फिर इसको क्या सजा दी जाए हुजूर? इनकी सजा यही है कि बरसों जिंदा रहे और बार बार दिल पर जिंदगी की चोट खाएं। इन्हें अमनो अमान के साथ हवेली के बाहर पहुंचा। मगर नौजवान, आपने ये ना बताया कि मेरे सर की जरूरत आपको क्यों महसूस हुई। अब बताने से क्या फायदा, वक्त आने पर सब मालूम हो जाएगा और वो वक्त हम आया।
दर्द भरा संगीत कहां से लाऊं, गूंजते हुए पहाड़ों से, कलकल करते हुए झरनों से, या सूखे हुए रेगिस्तान से। लेकिन नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। हीरे को हीरा ही काट सकता है, हीरे को हीरा ही काट सकता है। वो हीरा जिसको हरिदास स्वामी ने चमकाया, हरिदास स्वामी, हरिदास स्वामी, वृंदावन। बाबा, लोग कहते हैं कि भगवान का रचा हुआ ये संसार संगीतमय है। मैंने परमात्मा की हर रचना से संगीत पाने की कोशिश की, पर अब आपकी शरण में आया हूं, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, और बिना ज्ञान के मनुष्य की मनोकामना पूरी नहीं होती। तेरी क्या मनोकामना है बेटा? संगीत का पूरा ज्ञान पाकर मुझे किसी से बदला लेना है। संगीत से बदला? हाँ बाबा। तुम भूल कर रहे हो बेटा, संगीत हृदय से हृदय का संबंध जोड़ता है, आत्मा को ऊंचा उठाता है, बहिर को प्रेम में बदल देता है। संगीत किसी से बदला नहीं लेता। लेकिन मुझे बदला लेना है, अवश्य लेना है, और वो भी संगीत से, संगीत से। जब तक तेरे मन में बदले की भावना है, तू संगीत कभी नहीं सीख सकता। संगीत सीखने के लिए हृदय में प्रेम पैदा कर, दूसरों का दिल दुखाने के बदले अपने दिल में दर्द पैदा कर। यह दिल प्रेम और दर्द को भूल चुका है। अगर आप मुझे संगीत का पूरा ज्ञान नहीं देंगे, तो मैं आपकी जोड़ी पर सर पटक कर मर जाऊंगा। बेटा, आग से आग ठंडी नहीं होती, पानी से होती है। अंधेरे से अंधेरा दूर नहीं होता, उजाले से होता है। पैर पैर से नहीं मिटता, प्रेम से मिटता है। मैं तुझे अपने प्रेम का प्रतीक देता हूं, ले ये वीणा बजाया कर। इसके तारों की झनकार से जब तेरी हृदय तंत्री झनझना उठे और मन को शांति मिले, तब चले आना। अपने पास जो कुछ भी है सब सिखा दूंगा बेटा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। गुरुदेव, thank you.
हूं भगवान, ओम के तीन सुरों पर सारी सृष्टि नाच रही है। यही आदि नाद है, सबसे पहली आवाज है। इन्हीं तीन सुरों से मनुष्य ने सात सुर पाए। इन्हीं सात सुरों में डूब जाना चाहता हूं, मगर हृदय की आग सुर सागर को सुखाई देती है। संसार ने कुछ नहीं दिया, गुरु ने मुंह मोड़ दिया। अब तुम्हारी शरण में आया हूं। यहां सिर्फ तुम हो और मैं हूं। आज स्वरूप की साधना से तुम्हारा पत्थर का दिल हिला दूंगा या मैं हमेशा के लिए खामोश हो जाऊंगा। मगर मरने के बाद भी मेरी मिट्टी यहां उस दिन का इंतजार करेगी जब तुम फिर इस मिट्टी से मेरी रचना करोगे। और उस दिन भी हे भगवान, मैं तुमसे यही कहूंगा, मुझे संगीत दो, संगीत दो, संगीत दो। ओ जी हो, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। कहाँ रहा वो मिलन? बैजू, बैजू तुम कहाँ हो? यहाँ इसी जगह पर तुमने प्रेम का अमर संगीत बहाया था, यही पर तुमने वादे किए थे, कसमें खाई थी। क्या वो सब भूल गए? निराश न हो बेटा, मैं तुमसे दूर हूँ मगर मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है। उठो बेटा, गाओ, ये है ललित। गौर बदन कुसुमाभरण प्रसन्न मुख मुस्काय कमल पत्र समनेत्र से ललिता ललित सुहाय। पियो पियो रे करत है पपीहा, अब कहो कैसे राखूं जिया। पियो पियो रे करत है पपीहा। यह है गौड़ मल्हार, गौड़ सारंग मल्हार दोनों मिल मिले खेड़े तार। बोलत है बरखा की रिमझिम, गाओ गौर मल्हार। झूम झूम बदरिया बरसे, उन बिन मोरा जिया रादर से। झूम झूम बदरिया बरसे, यह है पुरिया
रत्न मुकुट सर छत्र और चामर मुख में पान, राजा रूप कल्याण की पुरिया जाती दान। अजब तोरी प्रभु अनुबान देखी, बाग में बन में नील गगन में देखत हूँ तोरी शान शान तोरी। यह है बागेश्वरी, विद्वानों की वाणी में बसकर विजय दिला, रक्त वर्ण वागीश्वरी मंद मंद नित गाय। हेरी हे मैं कैसे हर आमू मितवा तुमरे डिगवा, बाट चलत मोहे रोके ठाड़ो ठगवा। हेरी हे मैं कैसे तेरी तरसी हुई आंखें चारों तरफ ढूंढते हुए नैन जो पूछ रहे हैं, जीव नहीं पूछ सकती, जिसे ढूंढते ढूंढते मेरी कमर झुक गई, जो मेरे लिए भी एक सपना हो गया, उसकी आशा मैं तुम्हें किन शब्दों में दूं। पंडित जी, मैं सब सुन चुका हूं पंडित जी। सुना है नरपत ने कल पंचायत बुलाई थी। हाँ। क्या फैसला हुआ? पंच बैजू का एहसान मानते, मगर साथ ही ये भी कहते कि किसी की बेटी सगाई ब्याह इनाम में देने की चीज थोड़ी। कहते हैं गौरी की नरपत से सगाई नहीं टूट सकती। जुर्माना देने पर भी नहीं? जुर्माना देकर भी क्या करूंगा पंडित जी? कहाँ है वो बैजू जिसका नाम लेकर लोग तरह तरह से मेरी बेटी को बदनाम करते? मैं नरपत से सगाई तोड़ लूं, बैजू भी मुंह न दिखाए, फिर कौन करेगा इससे ब्याह? बेटी के हाथ पीले किए बिना ही मर गया तो लोक परलोक दोनों से जाऊंगा पंडित जी। अपनी बदनामी तो इसने खुद कराई है और अब रो रही है। मोहन, अब आप ही बताइए पंडित जी, मैं इसके आंसू पोंछूं या लोगों के मुंह बंद करूं? इसके आंसू में मेरा धर्म बह जाएगा पंडित जी। धीरज धरो मोहन, मनुष्य ना जाने क्या क्या करना चाहता है, मगर होता वही है जो भगवान चाहता है। आओ अंदर आओ। भूल गए सांवरिया
वो भी तुम्हारे साथ आया है? नहीं, वो तो कब का चला गया? कहाँ? कोई कहता है आगरे की तरफ चला गया, कोई कहता है वृंदावन में बैजू नाम का एक बावरा जंगलों में भटक रहा है, कोई कहता है हरिदास बाबा का शागिर्द होकर उनके चरणों में रहता है। वहां ढूंढने जा रही थी कि सुना पंचों ने तुम्हारी शादी का फैसला कर दिया है। बैजू ने मेरी मोहब्बत को जलील कहकर ठुकरा दिया था, आज मैं उसका जवाब देने यहाँ आई हूँ। मेरे प्रेम को झूठा समझकर हंसी उड़ाने आई हो? नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। एक दिन मैंने मोहब्बत के बाग में से एक गाता हुआ पंछी उड़ा दिया था, अब उस बाग को भी उजड़ने दो तो पंछी फिर लौट कर कभी नहीं आएगा। तुम्हें अपने बैजू के लिए जिंदा रहना होगा, मैं तुम्हें उसके पास ले जाने आई हूँ, चलो मेरे साथ। लेकिन तुम अपने बैजू के पास नहीं जाना चाहते? तो फिर मुझ पर भरोसा रखो, चुपचाप मेरे साथ चले आओ। आओ, आओ भी। हे मुरली मनोहर, हे गिरधर गोपाल, गुरुदेव के पैर जल्दी अच्छे कर दीजिए, वे आपके दर्शनों के लिए तरस रहे हैं। भगवान, किसे ढूंढते हो? क्या चाहिए तुम्हें? मैं हरिदास स्वामी के दर्शन करना चाहता हूँ। संधिवात की बीमारी से उनके पैर जकड़ गए हैं, उनसे चला भी नहीं जाता,
आज कितने ही दिनों से स्वामी जी गिरधर गोपाल के दर्शन करने के लिए मंदिर तक नहीं आ सके और तुम उन्हें कष्ट देना चाहते हो। चिंता की कोई बात नहीं स्वामी जी, ये लेप लगाते रहिए और रोज थोड़ा थोड़ा चला कीजिए। वैद्यराज जी, चार पाई से नीचे पैर धरा जाता नहीं और आप चलने के लिए कहते हैं। मुरली मनोहर के दर्शन बिना मैं मुंह में जल तक नहीं डालता था, आज हरि दर्शन बिना आत्मा प्यासी। जो मन तर पत हरि दर्शन को आज बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं। अपनी साधना चढ़ाने आया हूं गुरुजी। सुरों की सीढ़ियों तक पहुंच चुका हूं मगर आगे अंधकार है, मुझे रोशनी दिखाइए गुरुदेव। बेटा, तेरे संगीत ने मेरी प्यासी आंखों को जिन भगवान का दर्शन कराया है उन्हें मुरली मनोहर की कृपा से तेरा नाम संगीत संसार में अमर हो जाएगा। बाबा। बेटा बेटा, इतने बरसों से सीखा हुआ तुम्हारा संगीत अब खिल रहा है। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है गुरुदेव। नहीं बैजू, मैं जिसे भूली हुई राह का कंकर समझता था वो हीरे का टुकड़ा निकला। मैंने तो सिर्फ उसे ऊपर से तराश कर पहल दिए, चमकाया आप थी।
मगर उसमें छिपी हुई चोटी तो भगवान ने ही दी। अच्छा बेटा, मैं अभी आया, तब तक तुम टोड़ी का रियाज करके उसे शुद्ध कर लो। बहुत अच्छा गुरुदेव। अब समय आ गया है पिताजी, मैं आपका बदला लेकर ही आऊंगा। बैजू, अब भी तुम्हारे सर से बदले का भूत नहीं उतरा? बेटा, बदला बदला भगवान पर छोड़ दो, ये उन्हीं का काम है। तुम ये सब कुछ भूलकर पूरे ध्यान से प्रयास करो। का बदला लेकर ही रहूंगा। बैजू, भगवान, मेरा दिल भी अपनी तरह पत्थर का बना दो, इसे पत्थर का बना दो भगवान, पत्थर का। संगीत में संसार को रचने वाली तुम कणकण में व्यापी हो। प्रेम को मत ठुकराओ बैजू, प्रेम में भगवान रहते हैं, प्रेम में भगवान रहते हैं बैजू। सॉरी, नहीं भगवान, मैं क्या करूं, मुझे रास्ता दिखाओ बैजू। भगवान, बैजू, भगवान, बैजू, गौरी तुम जाओ, बैजू तुम चली जाओ। गौरी कहाँ जाओ, तुम्हारे बिना कोई पास तक नहीं बुलाएगा मुझे, दुनिया तभी मुझे इज्जत की निगाह से देखेगी जब तुम अपने हाथों से इस मांग में से अभी तुम्हारी मांग में सिंदूर भरना, तुम्हें विधवा बनाना है। मैं जिससे बदला लेना चाहता हूं, अगर उससे हार गया तो गर्दन उड़ा दी जाएगी मेरी। बदला किससे? तानसेन से। तानसेन से? कैसे? संगीत में उसे नीचा दिखाकर, तानसेन को हराने के बाद ही मैं तुमसे विवाह कर सकता हूं। तानसेन जैसे महान संगीतकार को हराने की शक्ति क्या क्या तुम में है बैजू? पिता को दिए हुए वचन को तोड़ने से मौत अच्छी है, अगर जिंदा रहा
तो लौटकर सीधा तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन तब तक तुम मुझे मरा हुआ समझो। नहीं नहीं बैजू, नहीं, बड़ी मुश्किल से मिले हो तुम, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, मेरे साथ लौट चलो। क्या वो टीला, वो झूला, वो जमना सब भूल गए? वही, उसी टीले पर तुम्हें अपने पिता को दिए हुए वचन भूल गया था। गौरी तुम जाओ गौरी, तुम्हें छोड़कर और कहां जाऊं? मैंने अपनी जीवन नैया को आग लगा दी है, अब तुम ही मेरी जीवन नैया हो, मुझे अपनी नैया में बिठा लो बैजू, डूबना होगा तो साथ ही डूब जाऊंगी। नहीं, तुम साथ रहोगी तो मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य भूल जाऊंगा। तुम्हारे ही कारण मेरी संगीत साधना में विघ्न पड़ रहा है, तुम और तुम्हारा प्रेम मेरी मौत का कारण बन जाएंगे, मैं तानसेन को कभी नहीं हरा सकूंगा। मैं बावरा हो जाऊंगा गुरुदेव, इसीलिए मैं तुझे अंतिम उपदेश देने आया हूँ। बैर की भावना निकालकर तू अपने दिल में प्रेम पैदा कर, प्रेम के बिना तेरे दिल में दर्द नहीं, और दर्द के बिना तेरे संगीत में वो असर नहीं जो पत्थर को भी पिघला दे, और दर्द तेरे दिल में तभी पैदा होगा जब तेरे दिल को चोट पहुंचेगी। मैं मर गई होती तो अच्छा था। क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हो गया गौरी, ये क्या हो गया? मैंने अपने आप को तुम्हारे रास्ते से हटा दिया। ये तुमने क्यों किया? अब तुम्हारी संगीत साधना में कोई फिक्र नहीं होगा, अब तुम तानसेन को हरा सकोगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। सॉरी, मुझे प्रेम की डोरी में बांध रखो। गौरी, मेरे प्रेम का दर्द
तुम्हारे संगीत को अमर बना देगा। गौरी बैजू फिर मिलूंगी। गौरी गौरी भगवान ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया भगवान? जवाब दो। गौरी गौरी गुरुदेव नहीं बोलेगी, संसार में किसी से नहीं बोलेगी, सिर्फ मुझे से बोलेगी। गौरी गौरी क्या हुआ गौरी को? सांप सांप हटो यहां से, भागो भागो। मालूम होता है इसको सांप ने काटा है। सांप ने? जी हाँ याद आया, इसे सांप ने काट लिया था। इसी नागन ने डस लिया था गौरी को, इसी डाकिन ने जुदा किया था हम दोनों को, अब फिर जुदा करने के लिए आई हो? नहीं बैजू, नहीं गौरी को यहाँ लेकर आई थी। तुम गौरी को नहीं, गौरी की मिट्टी को यहाँ लाई थी। अब इस मिट्टी का मैं क्या करूँ? मैं तो गौरी को ढूंढने के लिए जाता हूँ। गौरी बैजू उसकी बातें करो, कहाँ जा रहे हैं? छोड़ दो मुझे, मैं भी गौरी के साथ ही मर चुका। नहीं बैजू। क्यों अभी तुम्हारे कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी? तो फूंक डालो उस मिट्टी को, इसकी राख अपने सर पर डालकर नाचो नाचो नाचो। दिल और दिमाग के झगड़े में दिमाग जाता रहा। बैजू पागल हो गया, बैजू बावरा हो गया। मैं रो रहा हूं। अब देर करना ठीक नहीं, इसे जल्दी ले चलना चाहिए। लेकिन बैजू उसे समझाने का वक्त नहीं, फिर आएंगे उसे ले ले। भगवान 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 गई मेरे प्यार की नगरी,
अब तो नीर बहा ले, अब तो नीर बहा ले, अब तो नीर बहा ले। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, आग बनी दावन की बरखा, फूल बने अंगारे, नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे, ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले ओ दुनिया के रखवाले, चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा, भगवान भला हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी, में पड़ गए चाले हो दुनिया के रखवाले, चुप है दीवारें, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें, हम जीवन कैसे गुजारे, ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, ओ दुनिया के रखवाले, रखवाले नहीं, यहां गाना मना है। हम नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते, और न हम गा रहे हैं, ये तो हमारे अंदर कोई और गा रहा है जो हमारे बस में भी नहीं है। उसको रोक सकते हो तो रोक लो, लेकिन नहीं, उसको गाने दो,
उसकी दर्द भरी पुकार की हमें भी जरूरत है। दिल का सरमाया लुट जाने, रोने दो हमें भी, और साथ साथ जमीन आसमान दरो दीवार सब। वाह बैजू वाह, और भी गाओ, हवेली की तरफ मुंह करके गाओ। सच कहता हूँ पर खुरदार, तुम्हारे गले में दर्द पहले से हजार गुना ज्यादा है। हाँ। क्या देखते हो हाथी सिंह, मेरा शागिर्द है, कोई मजाक नहीं है। हाँ। शागिर्द है आपका, और आपने इसे ये नहीं सिखाया कि यहाँ पे वही गा सकता है जो शाह मौसीकी मियां तानसेन से बेहतर गा सके, नहीं तो मौत की सजा मिलती है। तो आ जाए अखाड़े में जिसमें दम हो, दूध का पानी और पानी का दूध नजर आने लगेगा। हाँ। ये बात है, गिरफ्तार कर लो इसे भी। अम्मा मुझे क्यों पकड़ रहा हूँ, गाएगा तो वो। बादशाह सलामत ने फैसला कर दिया है, सुना तुमने, अगर तुम तानसेन से मुकाबला नहीं करोगे तो हम दोनों को सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी, कत्ल कर दिए जाएंगे। बैजू, गौरी, बैजू, गौरी, किस मुसीबत में जान फंस गई मेरी? ये बावरा जवाब भी तो नहीं देता। कैसे जवाब दूं गौरी, लोगों ने मेरा गाना बंद कर दिया। गाना बंद नहीं कर दिया, गाने को कहते हैं गाने को, समझे? तुम्हें गाना ही पड़ेगा शहंशाह अकबर के सामने। नहीं, अब मैं किसी के सामने नहीं गाऊंगा, सिर्फ गौरी को ही अपने हृदय के गीत सुनाऊंगा। गौरी, गौरी, मैं गौरी नहीं, घसीट खा हूं, ये दाढ़ी देखी। क्या तुम जादूगर हो? ऐ जादूगर, मुझे परवाना बना दो, मैं दीपक पर जलना चाहता हूँ। या मेरे मौला, और खैर नहीं है जान की। गौरी चली गई, गौरी चली गई। ये आवाज कैसी, ये चूड़ी खड़ी की जा रही है, फांसी का तख्ता तैयार किया। मेरे साथी, मुंह भी बंद कर दिया जाएगा। बैजू, मेरे चुने हुए जवान बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। बैजू, क्या हो गया तुम्हें, हम लोग ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहर सकते। बैजू, चलो मेरे साथ। नहीं, एक बार पहले भी तुमने कहा था, चलो मेरे साथ। मत जाना बैजू, ये बातें बना रही है। लेकिन इस बार मैं तुम्हें गौरी के पास ले जाने आई। तुम झूठी हो, गौरी इस बार मेरा इंतजार कर रही है, वहां उस पार ले चलोगे मुझे? उस पार नहीं, इस पार बैजू, इस पार। गौरी जिंदा है, गौरी को चिता पर ले जाने से पहले हम उसे सांप का जहर उतारने वाले एक जानकार के पास ले गए थे, और वो। तुम झूठ बोल रही हो, एक बहुत बेरहम झूठ, सिर्फ मुझे यहाँ से बाहर ले जाने के। नहीं बैजू, मैं सच कह रही हूँ, खंडर वाले मंदिर में मैं तुम्हें खबर देने गई थी, लेकिन तुम नहीं मिले, ये
सच है कि गौरी जिंदा है, लेकिन वो फिर भी यही कह रही है कि मैं बैजू के लिए मर चुकी हूँ। और बैजू को हरगिज हरगिज ये नहीं कहना कि मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मेरा बलिदान अकारण जाएगा। वो तानसेन को हराना चाहते हैं और मैं उनकी संगीत साधना में विघ्न हूँ। हाँ, उसने यही कहा ना, गौरी जिंदा है, गौरी जिंदा है। वो अपने गांव चली गई है और तू मुझे रिहा कराने के लिए आई हूँ ताकि मैं उससे मिल सकूँ। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन दिल की यही मांग है, उस दिल की जिसे तुमने बेकार और बेजान समझ रखा था। शायद कोई आ रहा है, चलो बैठो, देखा करो। यही सरदार है डाकुओं की, पकड़ो इसे। रूपमती, रूपमती, बहुत अरसे से तलाश थी, अब पकड़ी गई। आप कहाँ चले उस्ताद? बस आपके साथ घर। आपका घर तो यही है उस्ताद। मुझे जाने दो। हट जा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जाओ मित्र से। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, गौरी जिंदा है, मुझे जाने दो। बैजू, 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 जाने कहाँ से आया था इस काम में? मेरी बेटी को बदनाम करके सारी इज्जत खास में मिला गया, और अब जब शादी का वक्त आया तो मुंह छिपाता फिरता है, नालायक कमीना बदमाश। सुबह दबान खोल के लाज नहीं आती तुझे? ये सारी मुसीबत तेरी ही तो लाई हुई है, न पूछा न गठा, जिधर मन में आया मुंह उठाकर चल दी। वो तो मैंने बहाने बनाकर बात दबा दी, नहीं तो कहने वाले यही तो कहते कि पंचों का फैसला सुनकर मोहन ने बेटी को गांव से भगा दिया। इस बुढ़ापे में मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया तूने? इसी ख्याल से तो वापस आई थी बाबा। इससे तो मर जाती तो अच्छा था। क्या करूं बाबा, मौत भी मुझसे रूट गई। अब आप ही अपने हाथों से अपनी बेटी का गला घोंट दीजिए। तेरा गला घोंटने के बदले मैं अपना ही गला घोंट लूंगा अगर तूने नरपा से शादी नहीं की। लेकिन लेकिन क्या, अब भी उस पागल के धोखे में रहना चाहती? शंकरानंद जी उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गए, कहीं पता चला तू भी तो उसे ढूंढने निकली थी, मिला कहीं? तो फिर अब उसका ख्याल छोड़ दे, इसी पूर्णिमा को शादी का मुहूर्त पक्का हो चुका है। तेरे सामने दो ही रास्ते, नरपत के साथ शादी या अपने बाप की मौत। ये मेरा आखिरी फैसला। गौरी जिंदा, दरवाजा खोल दो। अरे तकदीर का दरवाजा बार बार थोड़े ही खुलता है। जब वो रिहा कराने आई थी तो जनाब ध्यान लगाए बैठे थे। बरखुरदार, अब तो गौरी से तभी मिल सकोगे जब तानसेन को हराने के लिए गाओगे। तानसेन, तानसेन, मुझे गाना ही होगा। भगवान, मेरे गले में ऐसे सुर भर दो कि मैं पिताजी को दिया हुआ वचन पूरा कर सकूं और अपनी गौरी को पा सकूं। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा। लंगर का दर जाजन मारो नगर कल्ला। हमारी नजर में यह मुकाबला भी खत्म नहीं हुआ। तानसेन, मां बदौलत ने मुलाहजा किया कि तुमने टोड़ी गाकर किरण को बुला लिया,
नौजवान गायक, तुमने भी ऐसा ही किया, लेकिन तुमने अभी तक संगीत का कोई ऐसा करिश्मा नहीं दिखाया जो तुम्हें तानसेन से बेहतर फनकार साबित करे। जिल्ले इलाही आकाए जहां गुलाम अगर जान की अमान पाए तो कुछ अर्ज करे। अर्ज करो। आलम पना, मेरा शागिर देखने में बावरा है, मगर इसके गले में वो दर्द है जो पत्थर को भी पिघलाकर पानी बना सकता है। गुलाम की इल्तिजा है कि मेरा शागिर और मियां तानसेन एक ही रात को साथ साथ गाएं और फिर देखा जाए कि किसकी तानों में वो गर्मी है जो पत्थर के सीने को पिघला दे। माँ बदौलत को ये तजवीज पसंद आई और हमें यकीन है कि तानसेन को भी इससे इत्तेफाक होगा। बैजनाथ, अगर इस मुकाबले में तुम्हें शिकस्त हुई तो जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? जानता हूं आलमपना, मौत। लेकिन अगर जीत गया तो? मुंह मांगा इनाम पाओगे और तानसेन को मौत की सजा मिलेगी। आलमपना, बेशक कानून किसी के साथ रियायत नहीं करता। शीशे के तश्त में पानी भरकर उसमें संगमरमर का टुकड़ा रख दिया गया है। मां बदौलत का इश्तियाक बढ़ता जा रहा है। फनकारों, आज साबित कर दो कि संगीत के असर से पत्थर का पानी बन जाना महज सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि जीती जागती हकीकत है। मुकाबला शुरू किया जाए। रखी जो अब मोरी शान रे,
आज गावत मन में रो झुमके प्रेम के कारण प्रेमी गावे तानू से पात्र पिघलावे जगत में रहे मान रे आज गावत मन में रो झुमके आज गावत मन में रो झुमके सात सुरों के मधुरा मिलन में जादू आज जगाके बैजू के संगीत से दाता जल में आग लगा दे जल में आग लगा दे आज गावत मन में रो झुमके आज गावत मन आज गावत मन आज गावत मन बेनजीर लाजवाब तानसेन माँ बदौलत को शक है कि तार टूटा नहीं तोड़ दिया गया है तानपुरा फिर से मिला आलमपना सास को इल्जाम देकर मैं अपनी शिकस्त छिपा नहीं सकता सास संगीत का सहारा होता है संगीत का सरचश्मा नहीं वैद्यनाथ मां बदौलत तुम्हारी फतह को तस्लीम करते हैं तानसेन अकबर को तुम्हारी शिकस्त का सख्त अफसोस है आलम पनाह तानसेन की शिकस्त में संगीत की जीत छिपी हुई आज दिल्ले इलाही को तानसेन को सारे हिंदुस्तान को खुश होना चाहिए कि मुस्तिकी के खजाने में आज एक ऐसे बेशकीमत हीरे का इजाफा हुआ है जिसकी जगमगाहट से संगीत की राहें हमेशा चमकती रहीं वाकई इस हीरे की आबोताब ने आज दरबार अकबरी को जगमगा दिया मां बदौलत तुम्हारे कमाल से बहुत खुश हुए गायक कुछ तलब करो हमसे अगर जहां पना इजाजत दें तो मैं सिर्फ तीन चीजें मांगता हूं इजाजत है एक तो कानून की पाबंदी से संगीत की आजादी दूसरे रूपमती की रिहाई और उसकी जागीर की वापसी और तीसरे संगीत की जिंदगी संगीत की जिंदगी हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे संगीत की जिंदगी है तानसेन आलमपना तानसेन को जिंदगी देकर संगीत को मौत से बचा लीजिए
तुम्हारे सीने में फनकार का नरम दिल है बैजनाथ, लेकिन कानून की गिरफ्त बहुत सख्त होती है। कानून अकबरी की बुनियादें रहमो करम पर रखी गई हैं आलिजा, मैं उसी रहमो करम का वास्ता दिलाता हूं। हम तुम्हारी अजमत के कायल होते जा रहे हैं नौजवान गायक। वो चिराग जिसने मुझे संगीत की रोशनी दिखाकर नई जिंदगी बख्शी, जिसकी ज्योति से लाखों चिराग जल उठे, उसे मैं किन आंखों से घुसता हुआ देख सकता हूं आलमपना? तुम सही मानों में कलाकार हो बैजनाथ। माँ बदौलत तुम्हारी आली जर्फी की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। तुम्हारे लासानी कमाल और बुलंद ख्यालात ने आज शहंशाह को मजबूर कर दिया कि वो इंसानियत की भलाई को कानून की सियासत पर छा जाने दे। तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर की जाए। बैजू, तुम आ गए बैजू। हाँ हाँ काका, मैं आ गया। अच्छे समय क्या है बेटा, आज गौरी की शादी थी। गौरी की शादी? गौरी की शादी? हाँ बेटा। काका मुझे जल्दी उस पार पहुँचा दो। आज मैं भी नहीं पहुँच सका बेटा, जमुना में बाढ़ आई हुई, कश्ती कैसे चल सकता, डूब जाएगी। मेरे अरमानों की कश्ती डूब रही है काका, मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। बैजू, पंडित जी बैजू आ गया। बैजू, मेरा बैजू आ गया, मेरा बैजू आ गया। जाइए कन्या को ले आइए। घोड़ी, घोड़ी, घोड़ी। और मैं कश्ती मत डालो बैजू। आखिर भगा दिया ने गौरी को, कहा गई गौरी? पता नहीं, तेरी तो इज्जत नहीं है लेकिन हम तो इज्जतदार है। पता नालायक तू है तुझ पर। बैजू, नाम मत डालो बैजू, बाहर में बैठ जाएगी। गोरी, बैजू, गोरी, बैजू, क्या कर रहा है? नौरी पंडित जी, बाहर पर रख रहे हो। नौरी पंडित जी, गोरी जाओ यहाँ से। मुझे नहीं बताना मोदी बारी, तुम किनारे चली जाओ, मुझे मेरे
करती हो? तुम चली जाओ गौरी, तुमने मेरा पैर नहीं देखा है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ घूमना भी चाहती हूँ बैजू। अब जमुना मैया की गोद में हमारा प्यार है गौरी। गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा, भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के, बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके।